पढ़े लिखे मतदाता हैं जी, तो देश किसके हाथ में सुरक्षित है? किसी का बाई नेम नहीं कहेंगे, ना ही किसी को कंपेल करेंगे। देश किसके हाथ में सुरक्षित है जी, तो उसको जो है वो वोट डाला जाए ताकि हमारा भला हो जाए, देश का भला हो जाए जी। बाकी जो हमारी सरकार ने जो स्कीमें चलाई हैं अभी आप दल में पहुंची हैं जी, जैसे बेटी की ये शादी के लिए 50,000 दे दिया है, 5 लाख का जो वो हिम केयर कार्ड दे दिया है, बाकी वो भी बहुत बिना किसी कागज पत्र के साथ। नहीं, वो कांग्रेस आती है तो 1500 रुपये हर महिला को मिलेंगे, इस पर क्या क्या बोलना चाहिए? जब सोलन में पूछा गया माननीय अनंत शर्मा जी से, तो उन्होंने कहा भाई इसका मुझे नहीं पता, वो कहाँ से इसका फंड जनरेट करेंगे, कौन देगा, कोई भी नहीं, कौन देगा इसका फंड कहाँ से जनरेट होगा। तो माननीय इनके जो सांसद हैं उन्होंने कहा भाई इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है, तो ना ही तो मेरे साथ कोई डिस्कस होगा जी। हाँ जी, स्टंट इलेक्शन में दिया सर उन्होंने। अपने इलाके की जो अभी तक आपको सुविधाओं की जो कमी लगती है वो क्या है? यहाँ पर अभी दोबारा धीमान जी यहाँ पर इलेक्टेड होते हैं तो आप क्या चाहेंगे उनसे? दोबारा धीमान जी इलेक्टेड होते हैं तो हमारे काम चले हुए हैं, वो चलेंगे। पानी का काम चला हुआ है, 90 करोड़ का काम जो है वो हर्षी पत्तन से चला हुआ है, उसका काम जोरों से चला हुआ है। अगर यहाँ आते हैं तो हमारे सबसे तकलीफ बच्चों को है जो 12-14 किलोमीटर जा रहे हैं, तो यहाँ साइंस का हमारे हमें प्रोविजन चाहिए, साइंस हमें इस स्कूल में प्लस टू लड़कों में आनी चाहिए। बाकी धार में जो ITI बड़ी जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हमारे बच्चे 20-25 किलोमीटर आई। अभी पिछले 5 साल में आप ही की सरकार थी, आपने डिमांड नहीं की क्या? डिमांड की पर दो साल का उन्होंने जो दो साल हमारे कोरोना में चले गए, एक साल जो वो उनके स्टडी में चला गया, नए कैंडिडेट थे, खुद मानते हैं इस बात को, अरे दो साल में जितना हुआ उन्होंने कर दिया, उसकी वो पारदर्शिता भी बताते हैं, मेरे को पास कितने करोड़ का फंड आया और उसके मेरे पास कितना हिसाब है जी। हाँ जी, वो विधायक साहब दे देंगे, आप उनसे उसका ब्यूरल मांग सकते हैं।